अगर आपके पास कोई भी डेटा सेट मौजूद नहीं है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. रीजन बिहाइंड दैट इज आर आपको मल्टीपल डेटाबेसिस देता है, यानी कि अगर आप आर के अंदर जाएं आपको मल्टीपल डेटा सेट्स जो हैं वो मिलते हैं, और आर के अंदर जो डेटा सेट्स मौजूद हैं आप इन पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं. कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ. बहुत आसान है, ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. स्क्रीन आपके सामने मैं अभी लेके आता हूँ, एंड देन यू विल सी कि कैसे हम आर के बिल्ट इन डेटा सेट्स यूज़ करते हैं. इनको हम डिफॉल्ट डेटा सेट्स भी बोलते हैं आर के अंदर, और आर के अंदर जितने भी डेटा सेट्स मौजूद हैं उनको कैसे शो करवाना है, आई विल जस्ट गिव यू वन हिंट. आपने यहाँ पे लिखना है डेटा सेट का फंक्शन और खाली ब्रैकेट्स लगा देनी, डेटा सेट्स सॉरी डेटा का फंक्शन नॉट डेटा सेट्स. डेटा लिखने के बाद खाली ब्रैकेट लगा देनी है, इसको रन करना है, देन यू विल सी ऑल दीज पैकेजेस कमिंग अप. ये सारे के सारे पैकेजेस आर के अंदर बिल्ट इन मौजूद हैं, डेटा सेट्स सारे के सारे, ये सारे डेटा सेट्स हैं, टोटल डेटा सेट्स हैं. आप कोई भी डेटा को इसमें से लोड कर सकते हैं. मशहूर ज़माना डेटा जो है वो सभी को पता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, इसके अंदर आयरस लिखता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा डेटा सेट आ जाएगा जो फूलों का डेटा सेट है. फूलों का डेटा सेट कैसे है, अगर आप आयरस लिखेंगे ना, आयरस डेटा सेट, ये पाइथन आर और बाकी काफ़ी चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये तीन फूल हैं, आयरस का फूल है, इसकी एक वैरायटी है वर्सिकुलर, एक है इसकी वैरायटी सतोसा, एक है वर्जेनिका. इन तीनों में पेटल और सेपल की लेंथ एंड विड्थ बड़ी भी है छोटी भी है. सो इसकी बेस पे ये डेटा सेट कलेक्ट किया गया है कि किस फूल की लेंथ कितनी है, किस फूल की पेटल की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है प्लांट की, समथिंग लाइक दैट. और इस डेटा सेट के कुछ पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं. अगर आप यहाँ पे डेटा आयरस लिखें और इसको रन करें, यू विल सी कि आपके पास आयरस का डेटा यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली. दिस इज ऑलरेडी बिल्ट इन इनसाइड आर. आप इस पर क्लिक करते हैं, ये डेटा सेट एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं तो ये डेटा सेट यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्पीसीज. ठीक है, ये हो गया एक डेटा सेट. अब इसके अलावा एक और डेटा सेट यहाँ पे मौजूद है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक इन ग्रास प्लांट्स, CO2. अगर आप यहाँ पे लिखते हैं डेटा, इसके अंदर लिखें CO2 एंड मैं इसको रन करता हूँ, यू विल सी कि यहाँ पे CO2 का डेटा आ गया. इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये डेटा आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा. एंड देन दिस इज अ टाइम सीरीज डेटा. बेसिकली अगर आप चेक करें तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएं तो ये डेटा आपके सामने कुछ इस तरीके से मौजूद है. ठीक है, CO2 का डेटा. और अगर आप इस डेटा सेट को यहाँ पे व्यू लिखें, सॉरी व्यू कैपिटल वी के साथ, और इसके अंदर लिखें CO2, लेट्स सी, और इसको हम रन करते हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है, प्लांट टाइप ट्रीटमेंट कंसेंट्रेशन एंड सो ऑन, राइट. सो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं. तो यहाँ पे CO2 का डेटा आया है, ये गलत मैंने ले लिया था. क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल और स्मॉल की फर्क को नहीं देखा. सो दैट्स वाई दिस इज अ डिफरेंट थिंग. मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, एंड नाउ यू हैव अ CO2 डेटा. ठीक है, समझ आई बात की? और इस तरीके से आप देख सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिमूव, लेट्स सी, रिमूव के आगे लिखूँ CO2, ये वाला CO2 का ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, एक ही वो CO2 का जो मैंने गलत लिख दिया था स्मॉल CO2 में, सो इस वजह से वो डेटा सेट नहीं आ रहा था. ये दूसरा डेटा सेट हो गया जो मैंने अभी आपको शो करवाया CO2 का. फिर एक और है BOD का डेटा सेट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये भी आप ऐसे ले सकते हैं डेटा, इसके अंदर BOD कैपिटल में. सो आप कैपिटल स्पेलिंग या स्मॉल लेटर वो सारे उन्हीं का ध्यान रखते हुए डेटा सेट को लेके आएंगे, एंड देन ये डेटा सेट आपके सामने मौजूद है. आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इसके अलावा मल्टीपल डेटा सेट्स भी मौजूद है. अगर आप गौर करें यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का डेटा सेट मौजूद है, क्वार्टरली अर्निंग का, जो फाइनेंस के लोग हैं उनके लिए. सो आप यहाँ से इसे कॉपी करें, इस पूरे नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएं, डेटा लिखें एंड इसके अंदर ये वाली पेस्ट कर दें, रन करें, एंड हियर यू गो, जॉनसन एंड जॉनसन क्वार्टरली उनका डेटा सेट इनके पास आ गया. और ये ऑब्वियसली टाइम सीरीज का डेटा होगा, एंड देन यू नीड टू एक्चुअली व्यू दैट डेटा इन अ डिफरेंट मैनर रादर देन जस्ट डायरेक्टली गोइंग टूवर्ड्स दिस. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास डेटा सेट आ जाएगा, और यहाँ पे ये डेटा सेट मौजूद है. ठीक है, लेट मी सी, इसमें मैंने फिर से कोई गलती की, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू बी श्योर.
जॉनसन एंड जॉनसन क्वार्टरली अर्निंग पर जॉनसन एंड जॉनसन शेयर. ऑफ कोर्स ये टाइम सीरीज का डेटा है और क्वार्टरली अर्निंग का मतलब है कि ईयर्स वाइज डेटा है, तो आप इसको यहाँ से देख लेंगे. एंड देन आपके पास लोबोली का डेटा है, ग्रोथ ऑफ लोबोली पाइन ट्रीज. सो देर आर मेनी अदर डेटा सेट्स. मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल्स इस वजह से बता रहा हूँ कि आप ये ना कहें कि हम प्रैक्टिस किस चीज़ पर करें. यह आ गया जनाब, ये डेटा आ गया. यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट, एज एंड सीट. फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स और भी हैं. यूएसए अरेस्ट्स, इंटरेस्टिंग डेटा सेट. डेटा पेस्ट यूएसए अरेस्ट, हियर यू गो. यहां पे क्लिक करें, ये आ गया जनाब यूएसए के अंदर अरेस्ट का, मर्डर की बेस पे, असॉल्ट की बेस पे, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और ऑफ कोर्स रेप केसेस की बेस पे जो अरेस्ट हुए कितने हुए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका डेटा सेट मौजूद है. सो दिस डेटा सेट कैन बूस्ट अप योर प्रोफाइल अगर आपको पता है कि एनालिसिस कैसे करना है. फिर चिकन वेट का डेटा है कि चिकन का जो वेट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, कम हो रहा है. सो अगर आप यहाँ पे देखें चिकन वेट लिखेंगे, रन करेंगे, यू विल हैव दिस चिकन वेट डेटा और ये यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा. ठीक है, वेट टाइम चिकन डाइट, डाइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर आपको लगता है कि ये डेटा सेट के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो हेल्प में जाएं, यहां पे जाके उसी डेटा को यहां पे लिखते हैं. ठीक है, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि ये डेटा किस चीज के बारे में, डिस्क्रिप्शन उसकी, यूजेज कैसे करना है, फॉर्मेट क्या है, कितने किस चीज का क्या मकसद है, एंड देन वेट टाइम चिकन डाइट कौन कौन सी है, डिटेल्स, एंड एट द एंड किस जगह पे ये डेटा पब्लिश हुआ है. ठीक है, वो पेपर के नाम, एंड उन्होंने बताया कि आप इसके अलावा ये वाले एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे चेक करें, अगर आप को प्लॉट करें वेट एंड टाइम का, देन यू विल हैव समथिंग. उसने बोला कि ये वाला ट्राई करके देख लें. मैं यहां पे इसको रन करके ट्राई करके देखता हूँ, लेट्स सी हमारे पास क्या आता है. मैं इस कोड को रन करता हूँ एंड वी हैव दिस थिंग हियर. ये एक प्लॉट आ गया. लेटर ऑन वी विल सी कि प्लॉटिंग कैसी होती है, बट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस. तो हेल्प के अंदर जाके आप किसी भी एक डेटा, फॉर एग्जांपल बीओडी है, मैं इस पर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जनाब उसका डेटा सेट. सॉरी, चिकन वेट की जगह पे बीओडी लिखना है. ये आ गया मेरे पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. हर डेटा सेट की यहाँ पे डेफिनेशन और उसके वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस एंड यूटिलाइज एंड लोड द डेटा सेट इन साइड योर आर. ठीक है, अब एक चीज और है, आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा सेट मेरे पास आ गया लेकिन मैं इसको सेव करना चाहता हूँ किसी एक डेटा सेट को. ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं सेव द डेटा इनटू अ सीएसवी फाइल. ठीक है, अक्सर औकात होता है ना जो आपके पास डेटा आप इंटरेस्टेड होते हैं उसको राइट करने में, रीड तो कर लिया, अब राइट कैसे करना है, आप सिंपली क्या करते हैं, राइट सीएसवी. ठीक है, उस डेटा सेट का नाम जो आपने लोड किया है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आयरस का डेटा जो पहला था उसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, डेटा में आयरस डॉट सी एस वी के नाम से, यानी कि डेटा के फोल्डर के अंदर ही जाए हमारे पास. मैं इसको रन करता हूँ, ये लें जी आयरस का डेटा सेट पड़ा होगा. ठीक है, और ये सी एस वी में है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू के अंदर. आप चाहते हैं अगर इसी फाइल को एक्सेल में लिखना, सेव इन एक्सेल एस एक्स फाइल, एक्सेल एस एक्स फाइल, उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है राइट एक्सेल एस एक्स. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, यू विल सी अ चेंज. वो कहता है एरर, वी कुड नॉट फाइंड दिस थिंग, वी कुड नॉट फाइंड फंक्शन एक्स एल एस एक्स. ठीक है, इसके लिए आपको एक पैकेज करना पड़ता है, इंस्टॉल पे जाएं, यहाँ पे लिखें राइट एक्सेल एस, लिखने के बाद इंस्टॉल करें और यहां पे हम लिखते हैं अब वो सारी कमांड, लाइब्रेरी लाइब्रेरी राइट एक्सएलएस, और इसकी बेस पे हम देखते हैं कि वो डेटा हमारा सेव करता है कि नहीं करता. लेट्स सी, लेट्स रन दिस. द पर्ल स्क्रिप्ट आर फेल टू रन सक्सेसफुली, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर. तो मैं यहां पे लिखता हूं राइट एक्सएलएस राइट एक्स हाँ
like this, maybe here. What was that? Question mark, right, XLX. Yes. अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा के राइट एक्सेल एस लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कमांड्स आ जाएंगी या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. तो मैं ये डेटा लिखना चाहता हूँ, ये वाला फाइल नेम मैं ये देना चाहता हूँ, शीट नेम और बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे ये देना चाहता हूँ, देन इट विल बी वर्किंग फाइन. तो ये मेरे पास एक्सेल की शीट के अंदर सेव हो जाएगा. ऑफकोर्स मेरे पास जो भी इस वक्त एक्सेल की फाइल नेम है वो मेरे पास डेटा है ये वाला, फाइल नेम मैंने ये देनी है, देन शीट नेम और बाकी इनकोडिंग भी दूंगा, देन इट विल बी वर्किंग फाइन. बट फॉर नाउ फॉर सम रीजन PL पे मेरे पास काम नहीं कर रहा. सो आप CSV के अंदर भी इसे सेव कर सकते हैं, देन वी कैन कन्वर्ट दैट इन टू एक्सेल. आई विल ऑल्सो यूज एन अदर पैकेज टू कन्वर्ट दिस इन टू एक्सेल. दो पैकेज हैं एक्सेल के अंदर करने के लिए, राइट एक्सेल भी है, मैं इसको भी इंस्टॉल करता हूँ जस्ट टू सी के हाउ इट इज़ वर्किंग. सो ये राइट एक्सेल पैकेज है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसका पैकेज आ जाएगा. और लेट मी सी, राइट एक्सेल, इसको मैं रन करता हूँ, लेट्स सी, राइट एक्सेल एस एक्स, दिस वन एंड रन. यस दिस इज वर्किंग फाइन. जो दूसरे वाला है राइट एक्सेल ये काम कर रहा है, एंड यू कैन सी दिस एक्सेल फाइल ऑफ आयरस का डेटा सेट. एक आपके पास है जनाबे वाला, क्या हो रहा है, कॉमा सेपरेटेड, एक आपके पास एक्सेल की फाइल है. यस नाउ यू कैन सी ये एक्सेल की है, ये कॉमा सेपरेटेड है. तो हमने एक्सेल की भी बना लिया और कॉमा सेपरेटेड भी बना लिया. सो दिस पैकेज वर्क्स फाइन. हमारे पास दो पैकेज हैं, एक मैंने कर लिया. चिकन वेट वाला भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अंडरस्कोर एक्सेल एस एक्स, आयरस की बजाय मैं यहाँ पे बी ओ डी कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगेन मैं बी ओ डी कर देता हूँ, बी ओ डी और सॉरी बी ओ डी एंड आई डोंट नीड टू पुट दिस कॉलम थ्रू एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं इसको रन करता हूँ एंड होपफुली इट विल बी वर्किंग फाइन एंड हियर वी गो. ठीक है, एक्सेल का डेटा हमारे पास इस तरीके से आ गया. तो आपके पास छोटा डेटा सेट हो, बड़ा डेटा सेट हो, डेटा सेट होता है, एंड देन यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ यूजिंग दिस थिंग. और जो मैंने क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ आपको बताई, आप क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ भी लिखेंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना स्टार्ट कर देगा इन चैट, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन उसकी आ जाएगी. ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया. होपफुली आपको समझ आ गया होगी कि डेटा सेट्स बिल्ट इन कौन कौन से और उनको कैसे यूज करना है. एंड आई एम होपफुल कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आज और इनको और भी डिटेल में देखेंगे, समझेंगे भी, और इनको अपने डेली लाइफ के अंदर जब आर का एनालिसिस कर रहे होंगे वहां पे यूटिलाइज भी करेंगे. राइट right?